Good morning, students. Today we'll start chapter number 3, Fiber to Fabric, part 1. This chapter will be completed in one lecture. This is part 1st. In first part, we will discuss only theory part, and in second part, we'll discuss NCERT solution. So let's begin. तो आज हम देखेंगे इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है उस पार्ट में हम थ्योरी पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं. इंट्रोडक्शन. तो हम बात कर रहे हैं जिसे वी ऑल वियर क्लॉथ्स, हम सभी कपड़े पहनते हैं. बिल्कुल. दे आर आर बेसिक नीड्स, और ये हमारी जो है बुनियादी जरूरतें हैं, यानी बिना कपड़ों के रहना उचित नहीं है. लेकिन बहुत समय पहले लॉन्ग एगो ह्यूमंस बीइंग, जो इंसान है, यूज्ड लीव, प्रयोग करता था क्या, लीव्स पत्तियों को, बार्क ऑफ ट्रीज यानी जो पेड़ की छाल होती थी उसको, एंड स्किन ऑफ एनिमल्स, और जो एनिमल्स होते थे उनकी स्किन को यूज करते थे. किस रूप में, कपड़ों के रूप में, क्लॉथ्स के रूप में, जो आज हम कपड़े यूज करते हैं, पहनते हैं, टू कवर देयर बॉडीज, यानी अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. देन दे लर्न्ड, उसके बाद उन्होंने सीखा आर्ट यानी कला को, वेइंग एंड स्टार्टेड मेकिंग क्लॉथ्स, और इसके बाद क्लॉथ्स बनाना स्टार्ट किया. तो अगर हम बात करें, जिसे मान लेते हैं, अगर इसका हम सार देखें तो नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि हम सभी कपड़े पहनते हैं, ठीक है, क्योंकि कपड़े अपनी बुनियादी जरूरतें हैं. लेकिन बहुत समय, लंबे समय पहले की अगर हम बात करें तो उस समय जो ह्यूमंस होते थे, जो इंसान होते थे, वो कपड़ों के रूप में क्या यूज़ करते थे, वो यूज़ करते थे लीव्स यानी पत्तियों को यूज़ करते थे, बार्क ऑफ ट्रीज यानी जो पेड़ों की छाल होती थी उनको यूज़ करते थे, और साथ ही साथ जो स्किन ऑफ एनिमल्स यानी जो एनिमल्स होते थे जो डेड हो जाते थे, मर जाते थे, उनकी जो स्किन होती थी उसको कपड़ों के रूप में यानी अपनी बॉडीज को कवर करने के लिए यूज़ करते थे. इसके बाद जैसे जैसे समय बीता गया उन्होंने सीखा कला को और धीरे धीरे कपड़ा बनाना शुरू किया. क्लियर. अगर हम बात करेंगे फाइबर्स की, तो फाइबर्स आपके दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर्स होते हैं और दूसरे एनिमल फाइबर्स होते हैं. तो अगर हम नेचुरल फाइबर्स की बात करें या एनिमल्स फाइबर्स की बात करें, वो दोनों नेचुरल फाइबर्स कहे जाएंगे. तो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं कि नेचुरल फाइबर्स और थ्रेड, धागे हो सकते हैं, ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स, जो प्लांट्स से प्राप्त किए जाते हैं, एंड एनिमल्स, और एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं. ठीक है, तो जितने भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, वो प्लांट से या फिर एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं. क्या क्या हो सकते हैं उनमें से, आपका कॉटन हो सकता है, कपास, फ्लैक्स हो सकता है, जूट हो सकता है, एंड एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट फाइबर्स. तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों चाहे कॉटन हो, चाहे फ्लैक्स हो, चाहे फिर जूट हो, ये तीनों क्या हैं, प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ऊल की बात करें, ऊन की बात करें, सिल्क, रेशम की बात करें, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं एनिमल फाइबर्स के. और चूंकि एनिमल एंड प्लांट्स आर नेचुरल, दैट्स कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एनिमल फाइबर्स की. तो एनिमल फाइबर क्या होते हैं, एनिमल फाइबर में आपका ऊल यानी जो ऊन होती है, सिल्क फाइबर्स जो रेशम होते हैं, रेशम के धागे, ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, एनिमल से, और इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, एनिमल फाइबर. क्लियर. ऊल इज ऑब्टेंड फ्रॉम फ्लीस, ऊल कहाँ से, ऊल मतलब ऊन, ठीक है, ऊन कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, फ्लीस, हेयर ऑफ फ्लीस, शीप और याक, यानी जो ऊन होती है वो कहाँ से मिलती है, ऊन आपकी मिलती है या तो हम बात करें किसके, जो आपके याक होते हैं या फिर सीप जो यानी भेड़ जो होती हैं उनके बालों से प्राप्त किया जाता है. सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम ककून, और जो सिल्क फाइबर्स होते हैं, जो रेशम के जो फाइबर्स होते हैं, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, ककून से, आप सिल्क मोथ, जो कि रेशम के जो कीटाणु होते हैं, रेशम के जो जीव होते हैं, रेशम जो जानवर होते हैं उनसे जो है ये प्राप्त किया जाता है. ठीक है, यानी जो ऊन प्राप्त की जाती है वो भेड़ और याक के बालों से प्राप्त की जाती है, लेकिन जो आपके जो फाइबर होता है, जो सिल्क फाइबर होता है यानी रेशम जो होता है, वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, जो रेशम का कीड़ा होता है उससे ककून बनता है, उससे सिल्क फाइबर प्राप्त किया जाता है. क्लियर. नेक्स्ट देखेंगे ऊल. ऊल मतलब
ऊन, ऊन की अगर हम बात करें कि ऊन क्या होता है, तो नॉर्मल तौर पे सभी को पता है कि जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं वैसे ही हमें ऊनी कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऊनी कपड़े किससे मिलकर बने होते हैं? वो बने होते हैं आपके ऊन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब कैसे बनते हैं देख लेते हैं। तो ऊल कम फ्रॉम सीप, ऊन कहाँ से आता है? सीप से आता है, गोट से आता है, एयक से आता है, एंड सम अदर एनिमल्स हु आर हैविंग हेयर, जिनके पास हेयर्स होते हैं ऑन देयर बॉडीज, यानी जितने भी जानवर हैं। जैसे हम एग्जांपल्स के लिए लेते हैं सीप यानी भेड़, गोट यानी बकरी, याक एंड सम अदर एनिमल्स। इसके अलावा भी कुछ जानवर हैं जिनके शरीर पर क्या होते हैं? हैविंग देयर बॉडीज हेयर्स। ठीक है, तो उन कहाँ से मिलता है? उन जानवरों के बालों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे ऊल इज डिराइव्ड, ऊल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? दोज एरी फाइबर से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन कौन से एनिमल्स हैं जिससे ऊल मिलती है। तो एनिमल्स दैट यील्ड ऊल, जिनसे ईल ऊन प्राप्त की जाती है, तो उसमें होती है ब्रीड ऑफ सीप्स, यानी जो सीप जो भेड़ होते हैं उसकी बहुत सारी नस्लें होती हैं, बहुत सारी प्रजातियां होती हैं जहाँ से हमें ऊन प्राप्त होती है। आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स, जो कि डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री में, यानी हमारे देश के डिफरेंट पार्ट्स में भेड़ों की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं जहां से हमें यौन प्राप्त होती है। एंड आर द मेन सोर्स ऑफ टेनिंग वूल, जो कि ऊन प्राप्त करने के मेन सोर्स होते हैं। क्या होते हैं? भेड़ यानी सीप। ओके, दूसरा क्या है? याक। याक भी एक जानवर होता है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो याक ऑब्टेंड फ्रॉम याक विच इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, जो याक होता है वो तो टाइबेट में या फिर लद्दाख में पाए जाते हैं। इनके शरीर में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। अच्छा, इसका रीज़न क्या होता है कि नॉर्मल तौर पे जो आपके तिब्बत या फिर लद्दाख वगैरह एरिया होते हैं वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो सर्दी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो जहाँ पर जो जानवर वहाँ पर रहते हैं उनके शरीर में बहुत सारे बाल उगाते हैं जो उसके प्रोटेक्टिव लेयर का काम करते हैं जिससे उन्हें सर्दी नहीं लगती है। तो याक भी वहीं पर टाइबेट और लद्दाख में पाए जाते हैं। इनके शरीर में जो बाल होते हैं उन्हीं से क्या बनाया जाता है? याक ऊल। क्लियर। नेक्स्ट है आपका अंगोरा ऊल। अंगोरा ऊल, तो अंगोरा ऊल कैसे प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊल ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स, ये एक अलग प्रजाति है गोट्स की, जहां से अपन अंगोरा ऊल प्राप्त करते हैं। फाउंडेड इन हिली, और ये कहाँ पाया जाता है? हिली मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में सच है जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर अंगोरा गोट्स नाम की बकरियों की एक प्रजाति होती है जिससे अंगोरा ऊल प्राप्त की जाती है। द अंडर फोर ऑफ कश्मीरी गोट, और कश्मीरी गोट का जो अंडर होता है, अंडर फोर अंदर मतलब नीचे के जो बाल होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये बकरी है तो इसकी ये वाले जो पोर्शन है, ये जो नीचे के बाल होते हैं ये क्या होते हैं? बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं। ठीक है, गोट्स इज सॉफ्ट विच इज वुलन वुड फाइन सॉल्स कॉल्ड पैसमा शॉल, और इससे क्या बनता है? इससे पैसमीना शॉल बनते हैं। अभी आपने देखा होगा कभी कभी जब शॉल बेचने वाले आते हैं तो बोलते हैं कश्मीरी शॉल है, तो कश्मीरी शॉल कहाँ से बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं अंगोरा वूल से, जो कि कश्मीर में पाए जाते हैं। क्लियर। दूसरा, अगर हम बात करें ऊंट, जो कैमल होता है, कैमल्स के जो हेयर होते हैं उससे भी हम ऊल प्राप्त करते हैं। एंड द फर, फर मीन्स होता है एयर, जो फर होते हैं, फर मीन्स होता है हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल, जो ऊंट होता है उसके बॉडी में भी हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं उनसे भी ऊल प्राप्त की जाती है, उससे भी ऊन प्राप्त किए जाते हैं। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है आपका लामा एंड अपाका। लामा एंड अपाका फाउंड इन साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है वहां पर दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक लामा, ये जो आपका नीचे ब्लैक कलर का है ये आपका लामा है ये वाला, और ये होता है अल्पाका। तो अल्पाका और जो लामा होते हैं इनके शरीर पे भी बाल पाए जाते हैं जिनसे ऊन या फिर फाइबर्स प्राप्त किए जाते हैं। क्लियर। आगे हम बात करेंगे रेयरिंग ऑफ सीप एंड ऑब्टेनिंग फाइबर्स। रेयरिंग मतलब होता है पालन, जैसे अपन पशु पालन करते हैं, पशु को पालते हैं, वैसे सीप का पालन, सीप मतलब होता है आपका भेड़, भेड़ का पालन अपन करेंगे और पालन करने के बाद उसमें क्या करेंगे? उससे फाइबर प्राप्त करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो पहली बात अगर हम ध्यान से देख लें तो सीप आर
रेयर्ड इन हिली एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर, यानी जो भेड़ होते हैं वो नॉर्मल तौर पे कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाले जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में एंड सिक्किम, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। और द प्लेन ऑफ हरियाणा, या फिर जो हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का जो मैदानी इलाका है, गुजरात का, वहाँ पर ये भेड़ पाले जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि भेड़ कहाँ कहाँ पाले जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो यू कैन से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और प्लेन ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, है ना। नेक्स्ट है, सीप आर हर्वी वरस, जो सीप, सीप मतलब भेड़, भेड़ क्या होते हैं, हर्वी वरस, हर्वी वरस मतलब होता है जो शाकाहारी होते हैं, मतलब जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हर्वी वरस। सो मेनली फीड ऑन ग्रास, जो केवल घास खाते हैं और लीव्स, पत्तियां खाते हैं, और इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, हर्वी वरस। दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड पल्स, और उन्हें क्या और क्या प्रोवाइड की जाती हैं, पल्सेस यानी दाल, कॉर्न, मक्का, ज्वार, ऑयल, केक्स एंड अदर मटेरियल्स भी उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इन विंटर, यानी जो आपके गर्मियों, सर्दियों का समय जो होता है, विंटर समय में, सीप आर केप्ट इनसाइड द फेड लीव्स, जो सीप्स होते हैं उनको अंदर रखा जाता है और उन्हें खिलाया जाता है। क्या क्या खिलाया जाता है, उन्हें लीव्स, पत्तियां खिलाई जाती हैं, ग्रास खिलाई जाती है एंड ड्राई फूडर, और जो सूखा भूसा होता है उसको खिलाया जाता है। यानी जो सर्दियों का समय होता है, इसलिए सीप्स को कहाँ रखते हैं, अंदर रखते हैं, घर के सुरक्षित रखते हैं, और उन्हें खाने के लिए लीव्स दिया जाता है, ग्रास दिया जाता है, और जो ड्राई फूडर जो होता है, यानी जो भूसा होता है, उसको खाने में देते हैं। सीप्स हैविंग थिक कोट ऑफ हेयर, सीप्स के पास क्या हो जाता है, थिक कोट ऑफ हेयर, यानी हेयर का एक मोटी परत उनके ऊपर आ जाती है, ऑन देयर बॉडीज इल्ड गुड क्वांटिटी, यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का वूल इज लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त की जाती है। यानी जो भेड़ होते हैं उनके शरीर के चारों तरफ बहुत एक मोटी लेयर, एक थिक कोट हेयर की बन जाती है, जिससे बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके जो रेशम्स होते हैं, जो आपके फाइबर्स होते हैं, वो प्राप्त किए जाते हैं। हेयर्स ऑफ सीप इज सेव्ड, जो हेयर होते हैं सीप्स के, वो क्या किए जाते हैं, सेव्ड किए जाते हैं, मतलब काटे जाते हैं, ऑफ द गेटिंग वूल, ऊन प्राप्त करने के लिए, यानी ऊन प्राप्त करने के लिए जो भेड़ के जो बाल होते हैं उनको हम काटते हैं। वंस द रेयर्ड सीप, इसके बाद सीप को जब रेयर कर दिया जाता है, हैव डेवलप्ड ए थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो थिक लेयर होती है वो वहां पर ग्रोथ करती है बालों की। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ इंडियाज ब्रीड ऑफ सीप, यानी जो इंडिया में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, किसकी, सीप्स की, उनके बारे में हम जानते हैं। तो नीचे टेबल में ध्यान से देखेंगे, यहां पर हम 6 टाइप के जो ब्रीड्स हैं वो सीप्स की, उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है नेम ऑफ ब्रीड, लोही, लोही एक प्रजाति है, एक ब्रीड से, किसकी, सीप्स की, जो जो बहुत अच्छी क्वालिटी की ऊन प्रदान करता है, और ये राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है। कौन सी ब्रीड है इसमें, कौन सी प्रजाति है, लोही। नेक्स्ट है आपका रामपुर बुशायर, ये प्रजाति है अलग, रामपुर बुशायर, और इससे जो ब्राउन ब्राउन कलर की जो ऊन होती है वो प्राप्त होती है, और ये आपके उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अगली प्रजाति है अपनी नाली, तो नाली अगली प्रजाति है जहाँ पर कारपेट की ऊन प्राप्त की जाती है, जो कारपेट में ऊन का यूज करते हैं वो कहाँ से प्राप्त होती है, नाली प्रजाति से, और ये कहाँ मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं राजस्थान में मिलते हैं, हरियाणा में मिलते हैं और पंजाब में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगला आपका जो प्रजाति है वो है बखरवाल, बकरवाल एक भेड़ की प्रजाति होती है, जहाँ से हमें सॉल के जो ऊन, जो सॉल में जो ऊन यूज की जाती है वो प्राप्त होती है बकरवाल से, और ये जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं। तो नॉर्मल तौर पे जो सॉल बन के आते हैं वो जम्मू और कश्मीर से बन के आते हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में क्या होता है कि बकरवाल नाम की प्रजाति पाई जाती है, जिससे एक सॉल का बहुत अच्छा ऊन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका मारवाड़ी, तो मारवाड़ी क्या होता है, ये भी एक प्रजाति होती है भेड़ की, जिससे कॉर्सेस के जो वूल होते हैं वो प्राप्त किए जाते हैं, और ये मेनली गुजरात में पाए जाते हैं। आगे लास्ट है आपका पठानवाड़ी, तो पठानवाड़ी भी एक भेड़ की प्रजाति है, जिससे
होजरी के जो कपड़े बनते हैं होजरी के, तो होजरी के ऊन प्राप्त किए जाते हैं और ये भी मेनली गुजरात में पाए जाते हैं। तो ये हो गया स्टेट वाइज कि कौन कौन से स्टेट में किस किस प्रजाति के भेड़ पाए जाते हैं और इनसे किस क्वालिटी का ऊन हमें प्राप्त होता है, इसको हमने डिस्कस किया। तो नॉर्मल तौर पर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ वूल फ्रॉम फाइबर्स, यानी फाइबर्स तो हमें मिल गया, अब हमें उससे फाइबर से ऊल यानी ऊन कैसे प्राप्त करना है, कैसे ऊन बनाना है, क्योंकि नॉर्मल तौर पे जो भेड़ों की बाल होती है उससे तो स्वेटर बनाएंगे नहीं, तो उसके लिए हमें पहले ज़रूरत पड़ेगी ऊन को बनाने की। तो अब ऊन को कैसे बनाएंगे, कौन कौन से प्रोसीजर है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रोसेसिंग ऑफ वूल फ्रॉम फाइबर्स, तो फर्स्ट है ऑब्टेनिंग ऊल इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, यानी ऊन बनाना एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, विच इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप वाइज हम एक एक स्टेप देखते हैं, किस स्टेप में हम क्या काम करते हैं, कौन सा स्टेप पहले करते हैं, फिर बाद में कौन सा स्टेप कहते हैं, और किस किस स्टेप के बाद हमारा जो ऊन होता है वो प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप नंबर वन की। तो स्टेप नंबर वन में क्या होता है, शेयरिंग। शेयरिंग मतलब होता है कि काटना, बाल को काटना, तो जिसे हम बोलते हैं कटाई। तो कैसे कटाई करते हैं, तो फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विथ द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विच इज कॉल्ड शेयरिंग। मतलब भेड़ के जो बाल होते हैं, और बाल के साथ एक पतली सी लेयर जो होती है उसके स्किन के, उसको रिमूव करना, निकालना क्या कहलाता है, शेयरिंग कहलाता है। शेयरिंग इज डन ड्यूरिंग हॉट, जो शेयरिंग का जो काम होता है यानी जो बाल काटने का जो काम होता है, इज डन ड्यूरिंग द हॉट वेदर, यानी जो गर्मियों का समय होता है, जो इस समय समय चल रहा है उस समय इनको रिमूव करते हैं, सो दैट द शीप सर्वाइव विदाउट प्रोटेक्टिव हेयर, ताकि जो शीप होते हैं वो बिना प्रोटेक्टिव हेयर के भी सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल तौर पे इनके ऊपर जो बाल होते हैं उसका रीजन होता है सर्दियों से बचने के लिए। तो सर्दियाँ इनको बहुत ज़्यादा लगती हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर लेयर आ जाती है, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो बालों की ज़रूरत नहीं होती है, तो उनको काट के हम अलग कर देते हैं और तब भी वो सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि उस समय सर्दी नहीं होती है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया आपका शेयरिंग का। शेयरिंग में और क्या करते हैं कि द हेयर और द फ्लीस ऑफ द शीप आर डेड सेल्स, यानी जो हेयर होते हैं या जो फ्लीस होती हैं शीप की, वो क्या होती है, डेड सेल होती हैं, जैसे हमारे नाखून होते हैं, हमारे हेयर होते हैं, डेड सेल होते हैं, इनको काटने पे हमें कोई दर्द या कोई तकलीफ नहीं होती है, वैसे जो भेड़ के जो आपके हेयर्स होते हैं, जो फ्लीस होती है, वो क्या होती है, डेड सेल्स होती हैं, सो इट डजंट हर्ट द शीप, इसलिए ये शीप को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाती है। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिमूव द फ्लीस इज सिमिलर टू द शेविंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जैसे हम नॉर्मल तौर पर दाढ़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं जो शेविंग मशीन, वैसा ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जो आपके भेड़ होते हैं उनकी स्किन या उनके जो हेयर्स हैं उनको रिमूव करने के लिए। तो ये आपका फिगर यहाँ पर है, यहाँ पर देखो किस तरह से भेड़ ज़मीन पर लेटा हुआ है और उसे किस तरह से वो शेव कर रहा है मशीन के द्वारा, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं शीयरिंग। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका स्टेप टू, इसको हम बोलते हैं स्कोरिंग। तो स्कोरिंग में क्या होता है, स्कोरिंग में होती है सफाई, जैसे मान लो जो ऊन कट के आ गई, अब वो बालों को कटने के बाद उसकी हम सफाई करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग ऑफ शेयर्ड स्किन, यानी जो स्किन को हम शेयर्ड किए हैं, काटे हैं, उसको धोना विथ हेयर इन टैंक्स टू रिमूव, किस लिए, रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्टी स्कॉल्ड स्कोरिंग, यानी जो हमने स्किन या फिर जो हमने हेयर को कट किया है, निकाला है, रिमूव किया है, उसको सफाई करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसमें ग्रीस डस्ट और जो डर्टी चीज़ें होती हैं उनको रिमूव करना होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कोरिंग। Nowadays scoring is done by machine, और आज की डेट में scoring का काम मशीनों के द्वारा किया जाता है, लेकिन पुराने समय में नॉर्मल तौर पे एक बड़े टैंक में उसको डालकर, जैसे इस समय आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, चित्र में आप देख रहे हैं, तो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है एक बहुत बड़ा टैंक बना हुआ है और इस टैंक में पानी भरकर दो लोग उसको डंडे के साथ हिला रहे हैं ताकि उसको हम साफ कर सकें, पर आज की डेट में मशीनें हैं तो मशीनों को यूज़ करके हम उनको यूज़ करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट आपका है स्टेप थ्री। स्टेप थ्री मतलब होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब होता है छटाई।
पहले आपने कटाई की, कटाई के बाद सफाई की, सफाई के बाद अब छटाई की। छटाई क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे पास ऊन आती है, जो स्किन्स आती है, वो कई प्रकार की क्वालिटीज़ की होती है, उसमें कई प्रकार की चीज़ें मिली होती हैं। अब उसमें सबको अलग अलग सेपरेट सेपरेट करना क्या प्रोसेस कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। एंड द डर्टी स्किन इज सेंट टू फैक्ट्री, और जो हेयर होते हैं, हेयरी स्किन्स, उन्हें हम कहाँ भेजते हैं? फैक्ट्री में, वेयर हेयर आर डिफरेंट टेक्सटाइल्स सेपरेट सॉर्टेड, वहाँ पर उनको अलग किया जाता है, और दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग, और इसे हम क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे स्टेप फोर्थ। स्टेप फोर में क्या होता है कि द स्मॉल फ्लिफी फाइबर्स, जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, क्योंकि नॉर्मल तौर पर सभी बाल एक साइज कितने होते हैं, उसमें कुछ छोटे छोटे होते हैं, कुछ बड़े बड़े होते हैं, तो जो स्मॉल फ्लिफी फाइबर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं बर्स, ठीक है, आर पिक्ड आउट, उन्हें अलग कर दिया जाता है फ्रॉम द हेयर, बालों से, ठीक है। तो सॉर्टिंग के बाद हम क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे बाल होते हैं, उनको हम बड़े बालों से अलग कर लेते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बर्स। दीज आर द सेम बर्स विच सम टाइम अपीयर्स ऑन योर स्वेटर, और ये वही बर्स होते हैं जो आपके स्वेटर्स में कभी कभी दिखाई देते हैं। आप देखें सर्दियों में जो स्वेटर्स पहनते हैं, तो उसके ऊपर कुछ रोए टाइप के निकल आते हैं, वो रोए क्या होते हैं? यही बर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो द फाइबर्स आर स्कॉल्ड अगेन एंड ड्राइड, इसके बाद इसको फिर से क्या करते हैं? इसको फिर से साफ करते हैं, और साफ करने के बाद सुखाते हैं। एंड दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इन टू फाइबर्स, और अब जो आपका जो ऊन है, वो फाइबर्स को ड्रा करने के लिए तैयार हो जाता है। स्टेप फाइव में हम क्या करते हैं? द फाइबर्स कैन बी डाइड, फिर फाइबर्स को हम डाई करते हैं। डाई मतलब होता है कलर करते हैं, क्योंकि नॉर्मल तौर पे जो फाइबर्स होता है, जो आपके जो भेड़ के कलर होते हैं, लाइक वाइट, ब्लैक, ब्राउन, उसी कलर में होते हैं, लेकिन आपको ऊन तो अलग अलग कलर में चाहिए, तो अलग अलग कलर करने के लिए हम उसको क्या करते हैं? उसको हम डाई करते हैं इन वेरियस कलर्स, विभिन्न कलर्स में जो आपको ज़रूरत होती है, एज द नेचुरल फ्लीस, क्योंकि जो नेचुरल फ्लीस होती है सेब की, वो क्या होती है? ब्लैक होती है, ब्राउन होती है, या फिर वाइट होती है, इसलिए हमें उसे कलर करने की जरूरत पड़ती है। दिस इज स्टेप फाइव। नेक्स्ट है आपका स्टेप सिक्स। तो स्टेप सिक्स में क्या होता है? द फाइबर्स आर स्ट्रेंथ कॉम्ब्ड एंड रोल्ड इन टू यार्न, इसके बाद जो धागा आपका बना हुआ है, उसको क्या करते हैं? कॉम्ब मतलब कंघी करते हैं ताकि वो सेपरेट हो जाए, जैसे बालों में हम कंघी करते हैं सेपरेट सेपरेट बाल को करने के लिए, वैसे जो यार्न धागे होते हैं, जो आपके ऊल होती है, उसको कंघी करते हैं। कंघी करने के बाद उसको यार्न में लपेट देते हैं, रोल कर देते हैं। एंड द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इन टू वूल, और जो लंबे फाइबर्स होते हैं, उनको ऊल में, यानी ऊन में कन्वर्ट कर देते हैं फॉर द स्वेटर्स। एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन वूलन इन टू वूलन, यानी जो बड़े बड़े जो आपके फाइबर्स होते हैं, उसको ऊन में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो छोटे छोटे बचते हैं, छोटे छोटे से फाइबर्स बनते हैं, उसको क्या करते हैं? आर स्पन एंड वेवन, स्पन मतलब होता है कताई, फिर उसको कताई करते हैं, कताई करने के बाद छोटे छोटे को मिलाकर बड़ा कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कताई, इन टू वूलन क्लॉथ, और जो मतलब सर्दियों के जो कपड़े होते हैं, उनको बनाने में हम उन्हें यूज करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सिल्क। सिल्क मतलब होता है रेशम, सिल्क मतलब होता है रेशम, ठीक है। तो सिल्क फाइबर्स और ऑल्सो एनिमल्स ए फाइबर्स, जो सिल्क जो फाइबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो एनिमल फाइबर्स ही होते हैं। एंड द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, ठीक है। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म मतलब होता है कि जो आपके रेशम के कीड़े होते हैं, तो रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है, और उनसे रेशम को प्राप्त करना क्या कहलाता है? सेरी कल्चर, यानी जो रेशम के कीड़े होते हैं, उनको पालना, और पालने के बाद उनसे रेशम को प्राप्त करना, निकालना क्या कहलाता है? सेरी कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो लाइफ हिस्ट्री अगर हम बात करें सिल्क मोट, यानी जो आपके क्या कह सकते हैं, जो आपके रेशम के कीड़े होते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या होती है, तो ध्यान से अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये आपका मेल होता है, ये आपका फीमेल होता है, ठीक है। लेकिन मेन काम किसका होता है? फीमेल का। ये फीमेल क्या करती है कि पत्तियों में जो आपके उसके जो शहतूत के पत्ते होते हैं, उस पर बहुत सारे एग्स अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद उससे कीड़े निकलते हैं, और उससे फिर आपका सिल्क वार्म होने लगता है, फिर वो ककून बनाता है, और ककून के बाद क्या बनता है? आपका रेशम बनता है। तो ये एक प्रोसेस होता है, लाइफ साइकिल होती है, जिसके थ्रू ये प्राप्त किए जाते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, रेशम को
प्राप्त करने के लिए सिल्क वॉर्म्स, सिल्क वॉर्म्स मतलब होता है रेशम के कीड़े, आर रियल्ड पाले जाते हैं ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा मात्रा में। अ फीमेल सिल्क मोट गिव हंड्रेड्स ऑफ एग्स, और जो फीमेल सिल्क मोट होती है वो क्या करती है, हंड्रेड्स ऑफ एग्स यानी हजारों की संख्या में अंडे देती है ऑन द मलबरी लीव्स, मलबरी मतलब होता है शहतूत के पत्ते। तो जो शहतूत शहतूत के पत्ते होते हैं वहाँ पर हम इन रेशम के कीड़ों को पालते हैं, पालने के बाद जो आपकी फीमेल होती है वो हजारों की संख्या में अंडे देती है। फिर अपन क्या करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, द एग्स आर देन हैक्ड, इसके बाद जो अंडे होते हैं उनको हम हैक्ड कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, बाई कीपिंग देम, और उन्हें रख देते हैं अंडर द राइट टेम्परेचर, एक उचित तापमान पर, टेम्परेचर पर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन, मतलब पत्ते में उनने अंडे दे दिए। अब इसके बाद अंडों को हम निकाल लेते हैं, निकालने के बाद एक ऐसी सिचुएशन में रखते हैं जहाँ पर राइट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशंस अवेलेबल होती हैं, जहाँ पर हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, देन द सिल्क कैटीपिलर्स, और इसके बाद जो सिल्क कैटीपिलर्स होते हैं आर फेड, खाते हैं ऑन द मलबरी लीव्स, यानी जो आपके शहतूत के पत्ते होते हैं उनको वो खाते हैं, कौन, कैटीपिलर्स। आफ्टर 20 to 25 डेज, और इसके बाद 20 से 25 दिन बाद कैटीपिलर्स स्टॉप ईटिंग द साल्ट स्पिनिंग क्रॉस अराउंड देम, इसके बाद जो आपके कैटीपिलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं, इन जो पत्तियां खाते हैं उन पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं, घूमने लगते हैं, और फिर कोकून बन जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है कि फर्दर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मोट कंटिन्यूअस इनसाइड द कोकून, इसके बाद जो होता है, जो मोट होता है, जो आपका कीड़ा होता है वो कोकून के अंदर ही सुरक्षित रहता है। एंड द मोट लीव्स द कोकून आफ्टर द डेवलपमेंट इज कंप्लीट, जब तक कि मोट की जो पत्तियां होती हैं, मोट लीव्स द कोकून आफ्टर द डेवलपमेंट इज कंप्लीट, जब तक कि उसका पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, वंस द मोट हैज लेफ्ट द कोकून, इसके बाद जब कीड़ा कोकून को लेफ्ट कर देता है, छोड़ देता है, इट इज़ कलेक्टेड टू ऑब्टेन सिल्क, इसे हम इकट्ठा कर लेते हैं, किस लिए, ऊन प्राप्त करने के लिए। द कोकून्स आर केप्ट अंडर देन सन आर बॉइल्ड एंड एक्सपोज द स्टीम टू स्प्रेड द सिल्क फाइबर्स, इसके बाद हम क्या करते हैं कि द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन, इसको हम सूर्य के नीचे यानी धूप में रख सकते हैं सुखाने के लिए, और बॉयल टू एक्सेप्ट स्टीम, या फिर इसको हम स्टीम में यानी भाप में इसको उबालते हैं, बॉयल करते हैं टू सेपरेट द सिल्क फाइबर, कि यानी जो सिल्क फाइबर्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल तौर पे जो ककून होता है उसके चारों तरफ रेशम इस तरह से लिपटा दिया जाता है, अब उसको अगर आपको सेपरेट करना है दो तरीके हैं, या तो आप सनलाइट में रख दो सूख जाएगा, या फिर उसको अपन क्या करेंगे कि स्टीम में उसको बॉयल करेंगे, जिसके बाद हम उसको रिमूव कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीलिंग द सिल्क, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीलिंग द सिल्क। नेक्स्ट है सिल्क फाइबर ऑब्टेन आफ्टर रीलिंग, और इसके बाद जो सिल्क फाइबर होते हैं वो आफ्टर द रीलिंग ऑब्टेन किए जाते हैं आर स्पन, इसके बाद उनकी कताई होती है इनटू सिल्क थ्रेड, सिल्क के धागों के रूप में उनकी कताई होती है। अब हम बात करते हैं कोकून टू सिल्क, यानी जो कोकून होता है उससे सिल्क कैसे बनाते हैं, उससे रेशम कैसे बनाते हैं। तो फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, यानी सिल्क प्राप्त करने के लिए, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क प्राप्त करने के लिए मोट मतलब कीड़े आर रेयर्ड पाले जाते हैं एंड देयर ककून्स, और उनके ककून्स को क्या है, कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उन्हें क्या करते हैं, सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी अगर आपको ककून से सिल्क प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें जो मोट होते हैं, जो मतलब कीड़े होते हैं, उनको पालते हैं, पालने के बाद उससे ककून बनता है, ककून को हम कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद उसको हम सिल्क के थ्रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, यानी जो कीड़े होते हैं उनको पालते कैसे हैं। तो अ फीमेल सिल्क मोट लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स अ टाइम, क्यों, क्योंकि जो फीमेल्स जो होती है वो हंड्रेड्स यानी कि हजार सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है। जैसे यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, तो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि एक आपकी फीमेल फीमेल मोट है और ये क्या कर देती है, हंड्रेड की संख्या में क्या देती है, अंडे देती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या किया जाता है, अंडे देती है तो द एग्स आर सॉर्टेड केयरफुली, और ये जो एग्स होते हैं इनको स्टोर किया जाता है केयरफुली ऑन स्ट्रिप, स्ट्रिप में ऑफ क्लॉथ ऑन
पेपर एंड सोल्ड बाई सिक वॉर्म्स फार्मर्स। और फिर इसको क्या करते हैं कि जो अंडे होते हैं उनको हम स्टोर कर देते हैं, निकाल लेते हैं और एक स्ट्रिप में क्लॉथ्स में उसको इकट्ठा कर लेते हैं और उसको फिर हम सोल्ड कर देते हैं, बेच देते हैं किनको, जो मतलब सिक वॉर्म्स जो कीड़े पालने वाले जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं उनको बेच देते हैं। द फार्मर्स कीप, एक फार्मर्स क्या करते हैं उन अंडों को रखते हैं, कीप करते हैं अंडर द हाइजेनिक कंडीशन, हाइजेनिक कंडीशन में रखते हैं एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। एक निश्चित टेम्परेचर होता है, एक निश्चित ह्यूमिडिटी होती है, एक निश्चित जो है हाइजेनिक कंडीशंस होती है, उस कंडीशन में इन अंडों को रखते हैं। एंड द इग्स आर वार्म्ड, इसके बाद जो अंडे होते हैं वो गर्म होते हैं एट सुटेबल टेम्परेचर पे फॉर द लार्वास टू हैच फ्रॉम एग, अंडों से निकलने के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है अंडों का। आगे हम बात करते हैं कि दिस इज डन, और ये होता है कैसे, व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, जब जो शहतूत के जो पत्ते होते हैं उनकी ताजी पत्तियां निकलती हैं उस समय ये प्रक्रिया होती है। द लार्वास कॉल्ड कैटरपिलर्स, जो लार्वास होते हैं इनके उन्हें हम बोलते हैं कैटरपिलर्स और सिक वॉर्म्स, या भी कह सकते हैं कि रेशम के कीड़े। ईट अ डे, ईट डे एंड नाइट एंड इनक्रीज इनॉर्मसली इन साइज, ये दिन रात क्या है उन पत्तियों को खाते हैं और खाने के बाद उसमें इंक्रीज करते हैं, उसमें जो भी रेशम होता है, जो सिल्क होता है उसको। द वॉर्म्स आर केप्ट इन क्लीन बंबू ट्रेस, यानी जो वाम्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, वो क्लीन बम्बू के ट्रे बनाए जाते हैं, उन ट्रे में रखे जाते हैं अलोंग विथ फ्रेशली क्राफ्ट, यानी जो फ्रेशली मतलब ताजी जो पत्तियाँ होती हैं उनको चॉप्ड कर लेते हैं मलबेरीज की लीव्स की पत्तियाँ को और उसको उनके साथ कीड़ों को रख देते हैं, क्योंकि जब वो खाते हैं उसको तभी की रेशम मतलब जो फाइबर्स होते हैं उनको बनाते हैं। आफ्टर ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डेज, 20 से 25 दिन बाद क्या होता है, द कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग, जो कैटरपिलर्स होते हैं वो खाना बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं एंड मूव टू ए टिनी चैम्बर, और एक पतले से चैम्बर में क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं ऑफ बम्बू इन द ट्रे, जो बांस का जो ट्रे होता है उसमें जो पतली वो रखी होती हैं उसके चारों तरफ क्या होता है, घूमना स्टार्ट कर देते हैं ककुन्स एंड स्मॉल रैक्स और ट्विंग मे बी प्रोवाइडेड टू ट्रे टू विच ककुंस गेट अटैच्ड, वहाँ पर हम कुछ छोटी छोटी तीलियाँ या कुछ छोटी छोटी डंडियाँ रख देते हैं जिससे क्या करते हैं उसमें चारों तरफ ककून के रूप में वो कन्वर्ट करने लगते हैं, अटैच हो जाते हैं। द कैटरपिलर्स आर सिक वॉर्म्स स्पिन द ककून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोट, और जो आपके कैटरपिलर्स होते हैं या जो सिक वॉर्म्स होते हैं वो ककून के अंदर ही अंदर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं जिससे आपका जो रेशम होता है, जो रेशम के धागे होते हैं वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग सिल्क, यानी जो सिल्क होता है, जो कह सकते हैं कि जो रेशम होता है उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, ककून्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा ये आपके ककून्स हैं, इस तरह के ककून्स होते हैं जो बनते हैं। तो अपाइल ऑफ ककून्स इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, यानी रेशम के जो फाइबर्स होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ककून्स चाहिए। एंड द ककून्स आर केप्ट अंडर द सन, उसको हम धूप में रखते हैं, बॉयल करते हैं एक्सपोज टू स्टीम, स्टीम की उपस्थिति में, जिससे ककून से जो है सिल्क आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। द सिल्क फाइबर, यानी जो रेशम के जो फाइबर्स होते हैं सेपरेटेड आउट कर लेते हैं, सेपरेट कर लिए जाते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड, धागों के रूप में उसे अलग करना फ्रॉम द ककून्स, ककून से फॉर यूज ऑफ सिल्क, और सिल्क को यूज करना क्या कहलाता है, रेलिंग द सिल्क, सिल्क को रील करना। ठीक है, आगे है रेलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स, जो रीलिंग होता है वो आज की डेट में स्पेशल मशीनों द्वारा डन किया जाता है। विच अनविंड द थ्रेड, जो धागा बनाती हैं अनविंड करती हैं, और फाइबर्स ऑफ सिक फ्रॉम द ककून, या फिर ककून से फाइबर को बनाती हैं। सिल्क फाइबर्स और देन स्पिन, इसके बाद जो सिल्क के फाइबर्स होते हैं उनकी कताई होती है इनटू सिल्क थ्रेड, रेशम के धागों के रूप में। विच आर ओवन इनटू सिल्क क्लॉथ्स बाय वीयर्स, और जो आपके बुनकर होते हैं, जो
धागा कुतने वाले होते हैं वो क्या कर देते हैं, उनसे कपड़े बनाना शुरू कर देते हैं या फिर कपड़े बनाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर भी यहाँ से फिनिश होता है। अगर हम बात करें कि फाइबर टू फैब्रिक, इस चैप्टर को हम जो थ्योरी पार्ट है वो हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन का रहेगा, उसके डिस्क्रिप्शन भी लिंक में हमने दे रखी है, अगर आप नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।